Good morning, dear students of class 3rd. It is your EVS class. Today we are going to discuss chapter 15. Chapter name is Local Administration, means Sthaniya Prashasan, ya hum keh sakte hain Shasan Prabandh. In this chapter we will learn about the village panchayat and municipal community. इस चैप्टर में हम जो विलेज गांव की पंचायत होती है और म्यूनसिपल कमेटी जो कि शहरों में होती है के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अ लार्ज नंबर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव इन विलेज, मीन्स भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि गांव में रहता है, विलेज मीन्स गांव में. दे लिव क्वाइट अ डिफरेंट लाइफ विद अर्बन्स, ये इनकी जो लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है, जो नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उनसे डिफरेंट होती है, मीन्स अलग होती है. दे हैव टू फेस नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज एज दे डू नॉट हैव ऑल द फैसिलिटीज़, इनको कई प्रकार की जो परेशानियां होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसका सामना करना पड़ता है और इनके पास सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, मीन्स सुविधाएँ भी नहीं होती हैं. देयर बेसिक नीड्स लाइक क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इट इज़ हैव टू बी टेकन केयर ऑफ अस. इनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, मीन्स जो मूलभूत आवश्यकताएं जिसे कह सकते हैं, लाइक क्लीन, स्वच्छता और स्वास्थ्य, स्वस्थ इन्वायरमेंट, वातावरण, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी जो पीने योग्य हो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, रोड और एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वे इनकी देखरेख करने की आवश्यकता होती है. एज द गवर्नमेंट लुक आफ्टर ऑल दिस, बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल फॉर इट टू अटेन ऑल द बिग और स्मॉल नीड ऑफ डिफरेंट रीजन. जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो इन सभी जो चीज़ें जो हैं जो गाँव में ज़रूरत होती है उसकी देखभाल करती है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट होता है और असंभव भी होता है जो छोटी बड़ी जो ज़रूरतें होती हैं उसको देखना एक सरकार के द्वारा. देयरफॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन इज़ टेकन केयर बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मीन शासन प्रबंध है, वो उस क्षेत्र का वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जो कि इन परेशानियों को, इन डिफ़िकल्टीज़ को की देख रेख करती है. इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड द ग्राम पंचायत, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स एक लोगों का समूह जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं. द ग्राम पंचायत है 5 पंच और मोर मेंबर्स, ग्राम पंचायत में 5 पंच जिन्हें कहते हैं वो होती है या इससे भी अधिक मेंबर्स हो सकते हैं. एवरी विलेज इन इंडिया हैज़ अ ग्राम पंचायत, जो भारत के प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है. ऑल मैन एंड वुमेन अबव 18 ईयर्स आर एडल्ट एंड कैन वोट टू चूज द मेंबर, सभी जो मैन एंड वुमेन जो कि 18 ईयर्स से अबव हैं, एडल्ट हैं, वो वोट करके चूज कर सकते हैं अपनी ग्राम पंचायत के मेंबर को. द प्रधान इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, जो प्रधान होता है वो उस ग्राम पंचायत का हेड होता है, मीन्स मुख्य होता है. एंड एटलीस्ट 1 इलेक्टेड मेंबर शुड बी अ वुमेन, और इनमें से एक जो इलेक्टेड जो सदस्य होता है वो एक फीमेल, एक वुमेन होनी चाहिए. द पंच सेटल द डिस्प्यूट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज, जो पंच होते हैं वो सेटल डिस्प्यूट जो विवाद होते हैं लोगों की उनको सेटल करते हैं और जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं गांव में उनको देखते हैं. द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल एंड द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज, जो ग्राम पंचायत होती है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है और उनकी प्रगति, जो गाँव की प्रगति है उसके लिए भी वो कार्य करती हैं. नाउ ड्यूटीज़ ऑफ मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की ड्यूटीज़ जो कार्य हैं और जो मेन फंक्शन है, सम ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द ग्राम पंचायत आर एज बिलो, यहाँ पर कुछ जो ग्राम पंचायत की ड्यूटीज़ हैं वो दी गई हैं. फर्स्ट, टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स स्वच्छ पानी का प्रबंध करना. टू मेंटेन क्लीननेस इन द विलेज, गाँव में स्वच्छता का ध्यान रखना, मेंटेन करना. टू मेंटेन विलेज रोड्स, गाँव की सड़कों को मेंटेन करना. डिगिंग वेल्स, ट्यूबवेल्स, कुएँ और ट्यूबवेल्स को डिग आउट करना, मीन्स खुदवाना, उनको बनवाना. लाइटनिंग द विलेज रोड्स, और गांव की जो रोड्स हैं उन पर लाइटनिंग की व्यवस्था करना. नाउ प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस को जो प्राइमरी एजुकेशन है उनको प्रोवाइड करना. नाउ कंडक्टिंग एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो एडल्ट्स के लिए एजुकेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करना. सेटिंग अप हेल्थ केयर सेंटर्स लाइक डिस्पेंसरीज, मोबाइल डिस्पेंसरीज,
हेल्थ केयर स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए डिस्पेंसरीज और मोबाइल डिस्पेंसरीज को व्यवस्थित करना, उनका देखना। टू लिसन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजर्स ड्यूरिंग द पंचायत मीटिंग। पंचायत मीटिंग में जो विलेजर्स, जो गांव ग्रामीण जो लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उनको सॉल्व करना। टू सेटल डिस्प्यूट्स एमंग विलेजर्स, जो गांव के व्यक्तियों के बीच विवाद होते हैं उनको सेटल करना, उनको सुलझाना। टू कंडक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ द विलेज। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रगति के प्रोग्राम्स होते हैं विलेजर्स ग्रामीणों के द्वारा सहयोग से उनको करना, कंडक्ट करना।